हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सामान्य हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसमें हम लोग लिंग के अबाउट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनके अबाउट जो प्रश्न इन पर आधारित हैं उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। पहले इनके अबाउट जान लेना ज़रूरी है कि लिंग कहते किसे हैं, लिंग किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग हिंदी में आपके दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जो शब्द केवल स्त्री जाति का ही बोध कराते हों, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो केवल स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं पुल्लिंग कहलाते हैं। तो आइए इस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती, आयुष्मती, आयुष्माती या आयुमती? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आयुष्मती। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सेकंड प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा? राइट आंसर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन डी होगा, पुल्लिंग शब्द है वो बुढ़ापा होगा। देखिए, दया है की जाती है, किया नहीं जाता है, दया की जाती है। घटना है घटती है, और जड़ता जो है होती है, होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये सभी स्त्रीलिंग शब्द थे, जबकि बुढ़ापा आपका है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, वेग, मौन, दही या अहिंसा? राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन डी, जो अहिंसा है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वादा कि वेग, मौन और दही ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होगा? मेहतरानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मेहतरी, मेहतरान या मेहतर या मेहतरा? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, मेहतर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो मेहतरानी है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है ये? स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग जो रूप होता है वो मेहतर होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से आपसे पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है कि कौन सा है? चंद्रमा, अवस्था, थकान या भूख? तो राइट आंसर जो है आपका वो चंद्रमा जो है आपका ये पुल्लिंग है। याद रखेंगे, चंद्रमा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अवस्था, भूख और थकान ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करें, सरकार, सन्यास, मोक्ष या पीपल? राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन ए, सरकार।
सरकार जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी शब्द संन्यास मोक्ष पीपल ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री? तो राइट आंसर जो इसका है वो आपका ऑप्शन सी है, कवित्री। और ये क्वेश्चन जो है कई बार यूपी ट्रिपल एससी पूछता रहा है, इंपॉर्टेंस प्रश्न है, आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द इनमें से छांटना है हम लोगों को, दया, निर्धनता, बड़प्पन या दुर्घटना। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, बड़प्पन जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाद बाकी ये सभी शब्द जो दिए गए हैं स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सारस है ये पुल्लिंग शब्द है, बाद बाकी सरसों, मकई, मूंग ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इस बात पर जोर देंगे कि पुल्लिंग नहीं है पूछा है, बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, बाद बाकी छाता, अमरूद, सूर्य ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, निम्नांकित पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा या रजा? तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो मजा है, बाद बाकी सजा, कजा और रजा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, हवा, कोयल, दारा या शिक्षा। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी है, दारा है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, हवा, कोयल, शिक्षा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताना है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, घास, आय, व्यय या नहर? राइट आंसर बनेगा यहाँ पर व्यय जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, बाद बाकी घास, आय और नहर ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, लिंग की दृष्टि से जो दही है वो पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, रत्न, मोती, नकल, बचपन। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, जो नकल है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, रत्न, मोती, बचपन ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं और नकल जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, सूची पत्र, किताब, गंगा या संसद? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, जो सूची पत्र है जी आपका पुल्लिंग शब्द है, बाद में की किताब, संसद और गंगा सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य?
राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन ए, जो ऋतु है ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है, धुआं, संध्या, भत्ता और धावा। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका संध्या है। संध्या जो है स्त्रीलिंग है, धुआं, भत्ता और धागा ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराशा। जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है। तो जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपका झुरमुट नहीं है। झुरमुट जो है ये पुल्लिंग है, बाद की अंत्येष्टि, निराशा और इच्छा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, मृत्यु जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सुबह, दोपहर, सांझ या दिन। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, दिन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, बाद में सुबह, सांझ, दोपहर ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पानी, मानी, कहानी, रानी। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग में आता है, बाद में कहानी, पानी, वो कहानी, मानी और रानी ये सभी स्त्रीलिंग है, पानी आपका पुल्लिंग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, ऋषिका। ऋषि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो ऋषि का होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, कोयल जो है इसका कोई स्त्रीलिंग प्रचलित नहीं है, परिवर्तन हिंदी भाषा में इसका परिवर्तन प्रचलित नहीं है। ये शब्द जो है सदा स्त्रीलिंग में होता है, यानी हमेशा ही ये स्त्रीलिंग में ही परिवर्तित किया जा सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता, केवल और केवल स्त्रीलिंग में ही रहता है। अगर इसे पुल्लिंग बनाना है तो इसके आगे नर या मादा शब्द जोड़ दिया जाएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।